नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक पत्र पत्र से संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज के पत्र का विषय है अपने क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिताजी को एक सांत्वना पत्र लिखिए। यानी दोस्तों, जिस गांव में आपके पिताजी रहते हैं वहां पर अतिवृष्टि हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण पिताजी द्वारा बोई गई फसलें नष्ट हो गई हैं, तो आपको उनके दुख को दूर करने के लिए एक सांत्वना पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो जहां पर आपके पिताजी रहते हैं पहले वहां का पता लिखेंगे हम, तो इंदौर, ठीक है ना, 15 विजयनगर, मकान क्रमांक 20/7, दिनांक 30/7/2021। इस पर ध्यान दीजिए, ये मैंने देवनागरी लिपि में लिखा है दोस्तों, और पत्र में दिनांक यहीं पर ही आती है। और ये पत्र जब आप लिखो तो सीधे हाथ की तरफ से लिखना है आपको। किस कौन से हाथ की तरफ से? सीधे हाथ की तरफ से। अब उल्टे हाथ की तरफ आ जाइए, क्या लिखोगे आप? परम आदरणीय पिताजी, या फिर पूजनीय पिताजी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है ये। परम आदरणीय पिताजी, पिताजी के बाद अल्पविराम का चिन्ह लगेगा, इसके नीचे सादर चरण स्पर्श, इसके बाद विस्मयादी बोधक का चिन्ह लगेगा। अब यहां से आपको लिखना चालू करना है दोस्तों। आपका पत्र मिला, पत्र से ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ अधिक वर्षा हुई है, अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गई है तथा पशुओं में भी बीमारी फैल गई है, आदमी बीमार हो रहे हैं। यानी कि पिताजी के पत्र से पुत्र को यह सब ज्ञात हुआ है दोस्तों। स्थिति बहुत खराब है, यह जानकर बहुत दुख हुआ, किंतु मेरा आपसे निवेदन है कि आप चिंताग्रस्त न हो। यानी कि पुत्र अपने पिताजी से क्या बोल रहा है, मैं जानता हूं कि यह सब हुआ है, परंतु आपसे मेरी विनती है कि आप चिंताग्रस्त न हो। हों पर बिंदी भी है दोस्तों, क्योंकि बड़े हैं ना, इसलिए हों पर बिंदी आएगी। ईश्वर सबका भला करेंगे, जब ईश्वर की बातें आती है तो यहाँ पर कौन सा निशान आएगा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह। जिन्होंने वर्षा के द्वारा हानि सही है, यानी कि जिन ग्रामवासियों ने या फिर जिन लोगों ने वर्षा के द्वारा हानि सही है, वे आगे की फसल में इस हानि की भरपाई कर देंगे। अधिक वर्षा से रबी यानी कि गेहूं चना धना, ठीक है ना, की फसल अच्छी होगी। अब पैराग्राफ चेंज करते हैं, पिताजी मैं भी कम खर्च में काम चलाऊंगा, अतः आप दुखी ना हो। अब पैराग्राफ चेंज होगा, घर में माताजी को चरण स्पर्श, छोटी बहन को स्नेह है। अब सीधे हाथ की तरफ वापस आ जाइए, आपका आज्ञाकारी पुत्र रजत। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। इसी प्रकार आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर आइएगा, तभी आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। मेरे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।